बूंदी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप बेसन लिया है। एक कप बेसन को हम 3/4 कप पानी इसमें ऐड करेंगे धीरे धीरे करके, और एक ऐसा घोल तैयार करना है जिसमें कि बिल्कुल भी लम्स ना हो। अगर बेसन आपका थोड़ा बारीक है तो पानी की मात्रा सिर्फ 1 या 2 चम्मच थोड़ा कम ज़्यादा हो सकती है, अदरवाइज 1 बड़ा कप में हम 3/4 कप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम 1.5 छोटा चम्मच इसमें ऑयल ऐड कर रहे हैं। ऑयल ऐड करने के बाद में मिक्स करके हमको लगभग इसको 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो मैंने 30 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया है ऐसे ही। हम यहाँ पर सिरप बना रहे हैं, तो सिरप बनाने के लिए मैंने 1 कप चीनी, मैं सिरप थोड़ा कम बना रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी बूंदी में रायते के लिए उठाकर रख दूंगी, और 1 कप शुगर में हम 1 कप पानी ऐड कर रहे हैं। अगर आप पूरा उसको बना रहे हैं पूरी बूंदी तो आप 2 कप चीनी लीजिएगा। फिर 10 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे, और इसको हम चेक भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम चेक करेंगे, थोड़ा चिपचिपा जैसा लगेगा, जैसे शहद होता है या फिर ऑयल होता है, कुछ कुछ ऐसा लगेगा। सिरप तैयार है हमारा। यहाँ पर हम 2 छोटी बूंदें नींबू के रस की इसमें डाल रहे हैं। अगर ऐसा ना हो तो आप विनेगर भी डाल सकते हैं। हमारा जो बैटर है वो तैयार है। ये देखिए बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है, इस तरह की कंसिस्टेंसी है इसकी। अब हम इसमें एक पिंच में जितना आता है ना उतना ही हमें इसमें बेकिंग सोडा ऐड करना है। और अगर आप बेकिंग सोडा ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको लगभग 5 से 7 मिनट के लिए एक ही दिशा में अच्छे से फेंटते रहिए। यहाँ पर हमने जो घी है उसको गर्म होने के लिए रख दिया है, तो मैंने यहाँ पर देशी घी का यूज किया है। आप इसकी जगह ऑयल भी ले सकते हैं, वनस्पति भी ले सकते हैं। तो ऑयल को हमें बहुत अच्छे से गर्म करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम बूंदी बनाने के लिए ये जो हमारी घियाकस या कद्दूकस जो होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसका हम यूज कर रहे हैं, उससे हम बनाएंगे। या फिर ये जो अदरक कसने वाली होती है ना, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी चीज अवेलेबल हो उससे आप कर सकते हैं, या फिर वो झारा जिससे हम पूरी बनाते हैं ना वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो हमने एक बूंदी डालकर देखी है, अच्छे से तैर रही है, नीचे से एकदम उठकर आ रही है। तो ये देखिए इस तरह से हम थोड़ा सा बैटर डालेंगे और हमारा जो झारा है या फिर जो ग्रेटर है उसको चारों तरफ इस तरह से घुमाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी मोतियों जैसी गोल गोल बूंदी इसमें से निकल रही है। और ध्यान रखिएगा ऑयल को हमेशा हमें तेज ही रखना है। ये देखिए एकदम मोती जैसी सुंदर बूंदी तैयार है हमारी, और लगभग सिर्फ 1 मिनट के लिए हमको इसको पकाना है। और इसको निकाल करके डायरेक्टली हम हमारी जो सिरप जैसे हमने जो चाशनी बनाई है ना उसमें हम डायरेक्ट डालेंगे, जिससे कि अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्व कर लेंगे और एकदम सॉफ्ट हो जाएंगी। तो अगर आप रायते के लिए बनाना चाहते हैं बूंदी तो आप इनको थोड़ा सा और पका लीजिए, लेकिन अगर आपको सिर्फ खाने के लिए बूंदी या प्रसाद के लिए बूंदी बनानी है तो फिर आप इसको डायरेक्ट चाशनी में डालिए और 1 मिनट के लिए ही पकाइए, ज्यादा पकाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अगर आप 1 कप पूरे बेसन की बूंदी बना रहे हैं तो आप 2 कप चीनी लीजिए और 2 कप उसमें पानी ऐड कीजिए। तो आप जो बची हुई चाशनी है उसको भी आप रीयूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये देखना है कि हम बची हुई चाशनी को कैसे रीयूज करें तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, उसका भी मैं वीडियो बना दूंगी। तो सारी बूंदी हमने डाल दी है चाशनी में, और इसी तरीके से हम सेम प्रोसेस में और भी अपनी बूंदी बनाकर तैयार करते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम अपने जो ग्रेटर है उसको हम चारों तरफ इस तरह से घुमाते रहेंगे धीरे धीरे, और इस पे बैटर डालते रहेंगे। तो एक बार में बहुत ज्यादा बूंदी आप ना डालें, नहीं तो फिर वो गोल नहीं बन पाएंगे, उनकी शेप टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी क्योंकि उनको स्पेस नहीं मिल पाता है। फिर लगभग 1 मिनट के लिए हमें पकाना है और डायरेक्टली सिरप में डाल देंगे। सिरप में डालने के बाद में लगभग 15 मिनट के लिए हमें इन्हें छोड़ देना है, उसमें ही पड़े रहने देना है, जिससे कि वो चाशनी अच्छे से एब्जॉर्व कर लें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बूंदी बना करके मैंने इसमें डाल दी है, और लगभग 15 मिनट के लिए अब हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे मिक्स करके। और 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी बनकर तैयार होंगे। बची हुई बेसन के घोल की मैं और भी बूंदी बनाकर तैयार करती हूँ, जो कि मैं रायते के लिए बनाकर रखूंगी। तो ये देखिए हमारी बूंदी तैयार है अच्छे से, और ये बची हुई बूंदी भी मैंने बना ली है। इनको मैं अलग से 8-8 कंटेनर में भर करके रख लूंगी, इनको हम रायते में या सब्जी के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी बूंदी बनकर तैयार है। अब क्या करना है कि इसमें चाशनी बहुत ज्यादा है, आप इनको इस तरह से चेक भी कर सकते हैं कि काफी सॉफ्ट हो चुकी है। अगर आपको लगता है कि थोड़ी हार्ड है तो थोड़ी सी देर और इनको और पड़े रहने दें। इसके बाद में हमारी जो चाशनी है उसको स्ट्रेन कर लेंगे अच्छे से, पूरी चाशनी इसमें से निकाल देनी है हमें। तो इस तरह से आप कोई भी छलनी लगा लें, उसमें ये बूंदी को डाल दें और इनको लगभग 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें, जिससे कि सारी चाशनी नीचे निकल जाएगी दूसरे बाउल में। तो इस तरीके से हम इसको छोड़ देते हैं। पांच मिनट के बाद में हमारी सारी चाशनी निकल चुकी है, देखिए नीचे की तरफ। सारी बूंदियों को हम एक प्लेट में फैला देंगे, और आप चाहें तो गर्मा गर्म अभी इनको एंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ी देर के लिए इनको ठंडा कर सकते हैं,
जैसे कि और भी ये खिली खिली हो जाएंगी, लेकिन गर्मा गर्म बूंदी तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है, एकदम परफेक्ट लगती है। तो आप इन बूंदी को बनाइएगा, खाइएगा, प्रसाद के लिए आप इसको यूज कीजिए। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी है, बहुत ज्यादा सुंदर बनी है, और आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसी बनी है। देखिए एकदम मोती जैसी गोल गोल बनी है। तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।